हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपने जीएसटी चालान को डाउनलोड करना और उसकी एंट्री अपने बुक में करना। तो बेसिकली जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप जीएसटी पोर्टल से अपने जीएसटी चालान को, जो आपने चालान पीछे जमा किया है, उसकी चालान आप किस तरह से डाउनलोड करेंगे और उसकी एंट्री अपने बुक में प्रॉपर ढंग से किस तरह से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दे चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों, चालान डाउनलोड करने के लिए अपने जीएसटी पोर्टल पर आ जाना है। देन उसके बाद यहाँ पर सर्विस में जाना है, यहाँ पे पेमेंट पे जाना है और यहाँ पे चालान हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आपके जो चालान फाइंड करने का दो तरीके मिलते हैं, एक सर्च बाय सीपीआई नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं या दूसरा है सर्च बाय डेट, डेट डाल के भी अपने चालान को फाइंड कर सकते हैं। अगर बहुत सारे चालान हैं तो उसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले कुछ 6-7 महीने के आपके चालान यहाँ पे डिस्प्ले होता है। इससे पुराना अगर कोई चालान आपको चाहिए तो आपको सर्च बाय डेट या सर्च बाय सीपीआई नंबर के थ्रू आप उसको सर्च कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। अभी मान लीजिए लास्ट का जो हमने चालान जमा किया है वो जनवरी मंथ का, फरवरी में, उसकी हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। तो सीपीआई नंबर यहाँ जो दिया है इस पर सिंपली हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारा जो चालान है जनवरी का जो हमने फरवरी में जमा किया था, वो आपके चालान इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसको हम डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पर सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका चालान जो है डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, तो यहाँ डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से आपके चालान दिखेगा। यहाँ पर कुछ आपके हेड दिखे, किस हेड में आपने कितने पेमेंट जमा किया और कौन से हेड में कितना जमा किया, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम, यहाँ पे देखेंगे सीजीएसटी में हमने 9 रुपये जमा हुआ है, आईजीएसटी में 553 और एजीएसटी में 31,755 रुपये जमा हुआ है। यानी टोटल जो हमारा जनवरी का जीएसटी पेबल था 32,317 रुपये, जो कि हमने फरवरी 20 फरवरी से पहले इसको जमा किया था। अब इसकी बुक में हम एंट्री किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हम टैली में आएंगे, यहाँ पर वाउचर खोलेंगे, पेमेंट वाउचर। देन उसके बाद यहाँ पर ऑटो फिल का ये साइड में ऑप्शन आता है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप ट्रांजेक्शन में आपको स्टेट पेमेंट रखना है। देन उसके बाद टाइप टेक्स्ट टाइप में आपको जीएसटी और उसके बाद टाइप और पेमेंट में यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, इनमें से जो भी ऑप्शन होगा आपको ये सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए हमारे जीएसटी के अमाउंट पेबल है, हम इसलिए यहाँ पे अदर डालेंगे और पीरियड जो है हमारे यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो पेमेंट ये जो जमा हुआ चालान का, ये 1 जनवरी 2024 से लेके 31 जनवरी 2024 तक के जीएसटी का पेमेंट किया है हमने, इस पर सिलेक्ट करके इंटर करेंगे। उसके बाद हम कौन से बैंक से हमने इसको जमा किया है यहाँ पर हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए हमारा यस बैंक है, यस बैंक हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद हम एक बार दोबारा से चालान पर आएंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि सीजीएसटी, एजीएसटी और आईजीएसटी में कितने कितने पेमेंट डला हुआ है, वो चीज़ हम यहाँ से नोट कर लेंगे कहीं, या आपको याद रखना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सीजीएसटी में हमने कितने 9 रुपये जमा किया था, उसके बाद आईजीएसटी में हमारा कितना था 553 रुपये और एसजीएसटी में कितना था हमारा, ये था हमारा 31,755 रुपये। ठीक है, इस तरह से हमने अपने जो भी चालान हमने जनवरी मंथ में बना था, फरवरी मंथ में जमा किया था, आप ये देखेंगे कि टोटल 32,317 रुपये हमारा इससे टैली से, दोनों टैली हो रहा है। और सिंपली इसको हम क्या करेंगे, एंट्री को यहाँ से सेव करेंगे। जो भी डिटेल होगा यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं अपने। ठीक है, देखिए जनरली आप इस तरह से इसकी एंट्री कर सकते हैं और इसके प्रभाव आपके जो बैलेंस शीट में जो ड्यूटीज एंड टैक्सेज होता है उसमें आपकी ये लेस होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने जीएसटी के चालान जो भी जमा करते हैं उसको प्रीवियस कितना भी पुराना से पुराना उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बुक में उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।